बच्चा आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम मीता का पत्र पार्ट 3 मीता का पत्र के बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे। पत्र लेखन एक कला है। इसके द्वारा हम दूर के लोगों का कुशल क्षेम जानते हैं और अपना कुशल क्षेम उन तक पहुंचाते हैं। पत्र की भाषा सरल, समझने योग्य और वाक्य छोटे हो। पत्र प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, व्यापारिक और सरकारी पत्र। आज हम इस पाठ में व्यक्तिगत पत्र के बारे में पढ़ेंगे। मीता का पत्र पेज नंबर 18 में मीता का पत्र। मीता का पत्र शीर्षक में मीता का पत्र हेडिंग लिखना चाहिए, मीता का पत्र। अब मीता पत्र किसको लिख रहा है, कहाँ से लिख रहा है ये भी जानिए। पीतमपुर नई दिल्ली से पत्र लिख रहा है। दिनांक 2 जुलाई 2018 को मीता पीतमपुर नई दिल्ली से पत्र लिखा है। किसे लिखा है, संबंधी किसे है? मेरे प्यारे भैया, उन्होंने उनके भैया को पत्र लिखा है। अभिवादन में नमस्ते। हम सब यहाँ ठीक है। मीता किसको पत्र लिखा है, मीता ने उसके भैया को पत्र लिखा है। मीता ने कुशल क्षेम समाचार पूछ रहा है। हम सब यहाँ ठीक है, आशा है कि आप भी ठीक होंगे। हम सब यहाँ ठीक है, ठीक का अर्थ क्या है, ठीक अच्छे है। हम सब ठीक है, ठीक का अर्थ है अच्छे है। हम सब यहाँ अच्छे है। आशा है कि आप भी ठीक होंगे। आशा का अर्थ क्या है, उम्मीद। आशा का अर्थ उम्मीद, उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे, आप भी अच्छी तरह होंगे। गर्मी की छुट्टियों में आपके साथ खूब मजे किए। गर्मी बोले तो क्या है, समर हॉलीडेज में, छुट्टियां बोले तो हॉलीडेज। गर्मी की छुट्टियों में आपके साथ उसके भाई के साथ मीता ने खूब मजे की है, खूब खुशी से बिताए थे, अच्छी तरह खुशी से बिताए थे। कल से मेरा स्कूल खुल गया है। कल से मीता का स्कूल ओपन हो गया है। स्कूल गर्मी की छुट्टियों के बाद मीता का स्कूल प्रारंभ हुआ है। खुल जाना बोले तो प्रारंभ होना। कल स्कूल में हमारा पहला दिन बहुत अच्छा रहा। स्कूल में पहला दिन का अर्थ क्या है, पहला का अर्थ प्रथम दिन, फर्स्ट डे। मीता का फर्स्ट डे स्कूल में बहुत अच्छा रहा। हमने नए आए छोटे छोटे बच्चों को तिलक लगाए। मीता और उनके पूर्व विद्यार्थी और उनके साथ विद्यार्थी सभी लोग नए आए विद्यार्थियों को, नवीन विद्यार्थियों को, छोटे छोटे बच्चों को, चिल्ड्रंस को तिलक लगाए। उनके आह्वान में वो लोग उनको तिलक लगाए। तिलक का अर्थ क्या है, टीका। टीका लगा के उन लोगों का स्वागत कि उनको लड्डू भी बांटे, उन लोगों को लड्डू भी वितरण किए, लड्डू स्वीट्स लड्डू भी बांटे उन लोगों को, छोटे छोटे नए आए बच्चों को, नए आए स्कूल में नए आए बच्चों को क्या दिए, लड्डू दिए। खाने के लिए उन लोगों को लड्डू दिए। बांटे का अर्थ क्या है, वितरण करना।
वितरण करना। गर्मी की छुट्टियों के बाद पहला दिन स्कूल में मीता और उनके साथ के विद्यार्थी लोग नए आए बच्चों को लड्डू खिलाए। नया बच्चों को तिलक लगाए और लड्डू भी बांटे। नए बच्चों का हमने गीत गाकर स्वागत किया। नए आए बच्चों को हम लोग नए आए बच्चों को तिलक लगाए और लड्डू भी बांटे हमने और नए आए बच्चों का हमने गीत गाकर स्वागत किया। नए नए बच्चों को हम नए नए गानों से उन लोगों का स्वागत किए। सब नाचे भी, सॉन्ग्स भी गाए और डांस भी करे। हम लोग सॉन्ग्स भी गाए और डांस भी करे। मैं भी नाची थी। नाचने का अर्थ क्या है? नाच का अर्थ क्या है? नृत्य। नाच का अर्थ नृत्य। मीता ने नृत्य भी करी। नए आए बच्चों के आह्वान में आह्वान करने के लिए नृत्य भी करी। मैंने अन्नु दीदी का लहंगा ओढ़नी पहन लिया था। मीता ने किसकी लहंगा ओढ़नी पहन ली? किसकी लहंगा ओढ़नी? लहंगा ओढ़नी का अर्थ लहंगा ओढ़नी। लहंगा ओढ़नी का अर्थ घाघरा दुपट्टा। घाघरा और दुपट्टा किसकी पहनी? अन्नू दीदी की घाघरा और दुपट्टा पहन के नाची थी। पहला दिन स्कूल में नए नए बच्चों का स्वागत में नृत्य भी करी और गाने भी गाई है। किसकी लहंगा ओढ़नी पहनी? अन्नू दीदी की घाघरा और दुपट्टा पहन के वो नाची थी। हमारी प्रधान आचार्य ने नए आए बच्चों को इनाम भी दिए। हमारी हेडमिसेस ने नए आए बच्चों को इनाम भी दिए। इनाम का अर्थ क्या है? इनाम का अर्थ पुरस्कार। नए आए बच्चों को गिफ्ट्स भी दिए हैं। उनके प्रिंसिपल ने नए आए बच्चों को गिफ्ट्स दिए हैं। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई। और एक बात मीता ने उसके भैया को बोलने में भूली गई। याद न रहा मुझे, हमारे पड़ोस की शांता काकी के यहाँ गाय आई है। हमारे बगल की आंटी के यहाँ, काकी बोले तो चाची। काकी का अर्थ क्या है? चाची। पड़ोस का अर्थ क्या है? नेबर्स। बगल के घर में कौन आई है? एक गाय आई है, एक काऊ आई है। काऊ को वो लोग पाल रहे थे। उसका छोटा सा बछड़ा है, उसको एक छोटा सा बच्चा भी है, एक बछड़ा है। वह बछड़ा बहुत शैतानी है। उसके पड़ोस के घर में एक गाय आई है, गाय के एक बछड़ा भी है, वो बहुत शरारती है। काकी का नाम क्या है? शांता। शांता काकी के घर में एक गाय आई है, गाय की एक बछड़ा है, वह बहुत शरारती है।
दिन भर उछलता रहता है, दिन भर उछलता रहता है, गाय दिन भर उछलता रहता है। उछलना का अर्थ भागदौड़ करना, भागदौड़ करना, दिन भर खेल कूदते रहते हैं। मैं तो उसका नाम भी रख दिया है नंदू। मीता ने गाय की बच्चे का नाम क्या रखे? नंदू। अच्छा है ना, उसका नाम बहुत अच्छा है ना, बोल के उसके भैया से पूछ रही है। मैं उनके साथ खेलती हूँ, मैं दिन भर उसके साथ खेलती हूँ, पाठशाला से वापस आने के बाद मैं उनसे खेलती हूँ। वह दूध पीता है तो उसके मुंह से दूध टपक जाता है। वह दूध मिल्क उसके माँ की दूध पीता है ना, तब दूध मुंह से टपक जाता है। टपकने का अर्थ क्या है? बूंद बूंद गिरना, टपकना। बूंद 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 गिरना। गाय उसको बहुत प्यार करती है, गाय उसकी माँ गाय उसको बहुत प्रेम से प्यार करती है, उसको चाटती ही रहती है, जीभ से हमेशा उसको चाटती ही रहती है। नंदू मुझको भी चाटता है, उसकी माँ उसको चाटता है ना, इसीलिए नंदू भी उसको चाटता ही रहता है, मीता को भी चाटता ही रहता है। मुझे तो बहुत गुदगुदी होती है, मुझे तो चाटते समय बहुत गुदगुदी होती है, बहुत पुलक उठती है। मीता जब गाय के बच्चा उसको चाटती है तो तब बहुत पुलक उठती है। आप आएंगे तो हम खेलेंगे उसके साथ। आप हमारे यहाँ आए तो उसके भाई से कह रहे हैं कि आप हमारे पास आए तो शांता काकी के गाय के बच्चों के सब बछड़े के साथ हम भी खेलेंगे बोल के बोल रही है। आपका भी तो स्कूल खुल गया होगा, आपका भी तो, आपके यहाँ तो भी गर्मी की छुट्टियाँ समाप्त होते ही आपका भी स्कूल गए होंगे। स्कूल खुलने पर आपके यहाँ क्या क्या हुआ लिखना, स्कूल खुलने के बाद प्रथम दिन आपके स्कूल में क्या क्या हुआ यह सब मुझे खत में लिख दो बोल के बोल रही थी मीता। नाना जी, नानी जी, मामा जी को मेरा प्रणाम कहना। नाना जी बोलते ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, और मामा जी अंकल को मेरा प्रणाम कहना, मेरे नमस्ते कहना। प्रणाम का अर्थ क्या है? नमस्ते, प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम का अर्थ नमस्ते। किस किस को नमस्ते करी मीता ने? दादाजी को, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और अंकल को नमस्ते करी। मुझे उन सबकी बहुत याद आती है, उन सबको मैं हमेशा याद करती हूँ। मैं फिर आऊँगी, मैं गर्मियों की छुट्टियों में फिर एक बार गांव को आऊँगी बोली। आप पत्र लिखना, भूल मत जाना। आप पत्र, मुझे भी आप एक चिट्ठी लिखना, भूल मत जाना बोल के उनके भैया को मीता याद दिला रहे हैं चिट्ठी लिखने के लिए। निवेदन में आपकी बहन लिखना, और मीता नाम पत्र किसने लिखा? मीता, मीता का नाम लिखा गया है यहाँ पर। आप बच्चों ये मीनिंग्स, ये शब्दार्थ पूरे आपके क्लास वर्क बुक में एक बार लिख दीजिए। धन्यवाद बच्चों।